Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit और आज का वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट स्कॉलरशिप्स और ये अभी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ये चालू हुआ है कि आयरलैंड में स्पेशली आयरलैंड में जो कोई हायर स्टडीज़ के लिए आ रहा है कोई भी अगर मास्टर्स करने आ रहा है या PhD करने आ रहा है तो उसके लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप चालू हो गई है. पहले आई थिंक ये मास्टर्स के लिए बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप मिलती थी बट अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने चालू किया. मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा और अभी मैं थोड़े 2-3 स्क्रीनशॉट अभी डालता हूँ, आप अगर देखोगे या नीचे सामने आएंगे और इसकी आज पूरा ही डिटेल में बात करते हैं कि किस किस को स्कॉलरशिप मिलती है, कितने की मिलती है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं और मोर ओवर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उन स्कॉलरशिप के लिए. तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन में खोल के रखा है कि क्या क्या उनके एसेंशियल क्राइटेरिया है, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा. तो सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं. तो सबसे पहले ये सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए है, तो जो भी मास्टर्स कोर्स हैं उसके लिए है ये और कोई भी PhD के कोर्स हैं उसके लिए. उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, तो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है. सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज का आई थिंक कुछ आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो आई थिंक IELTS इज इनफ प्रूफ फॉर दैट. IELTS अगर आपने दिया है तो वो इनफ रहेगा. उसके बाद कौन कौन से कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें सारे कंट्रीज़ ओपन है. तो अगर आप इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो ये वीडियो, अगर आप बांग्लादेश के हो, आप कहीं के भी हो, किसी भी कंट्री के हो, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. उसके बाद कितने की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो 18,500 यूरोस की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है. यूजुअली अब तक जो मैंने देखा था जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें कई बार फुल्ली फंडेड नहीं होता था, पार्शियल फंडेड होता था, बट ये स्कॉलरशिप 18,500 यूरोस मोर और लेस आपकी पूरी ट्यूशन फ़ी कवर कर लेगी. जैसे ट्रिनिटी की आई थिंक फ़ीस अभी कुछ 18 या 20 हज़ार यूरोस हो गई है. कुछ सस्ते कॉलेजेस भी, एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आयरलैंड के सस्ते कॉलेजेस की बात करेंगे, बट ये स्कॉलरशिप 18,500 यूरोस की आपको मिलेगी. और तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कौन कौन से आयरलैंड के कॉलेजेस हैं जो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप जिनमें जा सकते हो, जिनमें आप पढ़ाई कर सकते हो, तो एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे. मैं लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट अभी यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा. और ऑलमोस्ट सारे आयरलैंड के कॉलेजेस हैं, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है. एथलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉर्क का यूनिवर्सिटी है, डबलिन बिजनेस स्कूल है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी गॉलवे का है, NUI गॉलवे है, इसमें ग्रिफिथ कॉलेज है, और इसके अलावा लिमरिक के कॉलेज हैं, NCI है, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड है, इसके अलावा ट्रिनिटी कॉलेज भी है, UCD है, तो ऑलमोस्ट सारे TU डबलिन हैं, ऑलमोस्ट सारे आयरलैंड के कॉलेजेस इसमें आते हैं. अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप किसी भी, इनफैक्ट किसी भी आयरलैंड के कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो. तो अभी बात करिए अपन ने कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कोई भी कंट्री के हो वो फ़र्क नहीं पड़ता. अब अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. मैं रजिस्टर करने का भी लिंक इसमें डाल दूंगा. और आपको अपना पहले बेसिक डिटेल्स भरने हैं, फिर आपको अपने एजुकेशन के बारे में लिखना है कि अभी तक आपने क्या किया. इसकी 2-3 कंडीशंस हैं, शायद अगर आपने पहले अप्लाई किया और रिजेक्ट हुआ है तो आई डोंट थिंक आप शायद दोबारा अप्लाई कर सकते हो, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया होगा. तो ये उन सब लोगों के लिए जो पहली बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और शायद इसी साल से चालू हो रही है, तो जो भी कोई आना चाह रहा है, आई मीन देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. एक बार आप ट्राई कर सकते हो. आई थिंक कुछ तो नंबर लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलेगा, बट इफ़ योर CV इज़ और इफ़ योर एक्सपीरियंस इज़ वेरी रेलेवेंट एंड वेरी गुड इनफ, जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है. और बेस्ट पार्ट इज़ इसकी कुछ फ़ीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो. आपको एक पूरा डिटेल्ड फॉर्म भरना पड़ेगा और अगर आप वो फॉर्म भरते हो, आप सबमिट करते हो, आई थिंक कुछ 3-4 वीक्स लगेगा टू कम बैक ऑन योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. तो जब भी आप यूनिवर्सिटी का फीस पे करने वाले हो उसके कुछ अगर आप 2 महीने या 3 महीने पहले ये अप्लाई कर दो और अगर आपको मिल गई स्कॉलरशिप तो आपकी पूरी आयरलैंड में पूरा आपका ट्यूशन फी फ्री हो जाएगी. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं और जो इतना लोन नहीं लेना चाह रहे हैं. बहुत लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट मैंने भी ये देखा है कि लोन, अगर आप ज़्यादा लोन लो तो फिर आपको काफ़ी टाइम तक वो पे करते रहना पड़ता है. तो
सबसे अच्छा यही है कि अगर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल एड मिल सके, कोई भी स्कॉलरशिप मिल सके, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनको बिना लोन लिए पढ़ाई करने आना है, या जो इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने बैचलर्स में, या ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हैं, और जिनको डायरेक्टली आयरलैंड में पढ़ाई करने आना है बट उनको फीस पे नहीं करनी है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो जिसमें स्कॉलरशिप की बात करी और मेन ये बात करी कि कैसे आप पूरा फ्री में पढ़ सकते हो, आपको 18,500 यूरोस की स्कॉलरशिप मिल सकती है जो कि मोर ऑर लेस आपका पूरा ट्यूशन फी कवर कर सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अभी कुछ अराउंड 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट्स बिलो कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, और आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।